स्वागत है आप सबका अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड के बारे में। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस कंपनी का स्टॉक आपके पास है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 37 करोड़ का है। इसका करंट शेयर प्राइस 96 रुपीज़ है और 52 वीक का हाईएस्ट शेयर प्राइस भी 96 रुपीज़ है, यानी कंपनी अपने 52 वीक हाई पे चल रही है। कंपनी ने 7 अगस्त 2024 को एक बोर्ड मीटिंग रखी है जिसमें कंपनी बोनस इश्यू पर चर्चा कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में 59.21% की है और रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 40.79% की है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कंपनी में हमें सिर्फ दो तरह की ही शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी में फंडामेंटल्स के बारे में। इसका पीई रेशियो 293.30 है और जो इस सेक्टर का पीई रेशियो है वो 34.90 है। पीबी रेशियो 4.80 है। आरओई 3.81% है। आरओसीई 4.77% है। कंपनी अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं देती है। इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है। जान लेते हैं कंपनी के अंदर प्रॉफिट और लॉस के बारे में। बात करें इसकी ईयर वाइज रिपोर्ट के बारे में तो 2023 में कंपनी को 0.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2024 में कंपनी को 0.07 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट कम अर्न किया है। और अगर बात करें इसकी क्वार्टर वाइज रिपोर्ट के बारे में तो जून 2023 में कंपनी को 0.04 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2024 में कंपनी को 0.10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जून 2023 के कंपैरिजन में जून 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है। जान लेते हैं शेयर मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। 2014 से अभी तक कंपनी ने अपने निवेशकों को 400% का रिटर्न दिया है। 5 साल में कंपनी ने 1541% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 1 साल में कंपनी ने 144% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी ने 123% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को 19% का रिटर्न दिया है। तो आप सब ने इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देख लिए हैं। कंपनी में हमें सिर्फ दो तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का पीई रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है। कंपनी अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं देती है। इसके अलावा कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी लो देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो कंपनी ने क्वार्टर वाइज तो अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन ईयर वाइज कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में डाउन देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कंपनी ने अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है तो कंपनी 5 साल से अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही है। तो आप सब किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें और ख़ुद भी अच्छे से रिसर्च कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।